दोस्तों शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों पुत्रदा एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसे पुत्र न हो उन्होंने पुत्र की कामना के लिए यह एकादशी अवश्य व्रत करें, क्योंकि यह एकादशी करने से पुत्र की प्राप्ति होगी होती है। और पुत्रदा एकादशी के दिन से आपको 41 दिन का यह उपाय अवश्य करें। जिसे संतान प्राप्ति न हो उनके लिए, जिसे संतान नहीं है उन्होंने यह उपाय अवश्य करें। तो कैसे करें, कौन सा उपाय करें, यह इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके पहले आप चैनल पर नए होंगे तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर लें, ऑल पर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप कहाँ से मेरी यह व्रत कथा सुन रहे, अपने गांव के कमेंट्स, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, यानी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए जानते हैं आपको 41 दिन कौन सा उपाय करना है। तो आपको 41 दिन तक आपको लड्डू गोपाल की प्रतिमा एक तामन में, एक प्लेट में, एक डिश में लेकर उसे दूध से, उनका पंचामृत से, तुलसी दल डाल के स्नान कराना है और उस लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाए। ताकि संतान प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है तो माखन मिश्री का भोग लगाए और गोपाल कृष्ण, जो गोपाल कृष्ण सहस्र नाम का पठन अवश्य कीजिए, यानी संतान प्राप्ति आपको अवश्य होगी। क्योंकि लड्डू गोपाल की जो भी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, जो उनकी सच्चे दिल से आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, उन पर लड्डू गोपाल अवश्य प्रसन्न होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। तो आपको 41 दिन तक उनको माखन मिश्री का भोग लगाना है, पंचामृत से स्नान कराना है और गोपाल सहस्र नाम का पठन करना है। तो यह उपाय अवश्य कीजिए। तो पुत्रदा एकादशी जिनने, जो लोग या जो स्त्रियाँ, जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि जेंट्स लोग बाहर काम के लिए जाते हैं तो उन्हें हम फोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो काम करते हैं बाहर। अपन लेडीज़ घर में रहते इसीलिए कोई टेंशन नहीं, और लेडीज़ में सहनशीलता ज़्यादा रहती है। ताकि वो कुछ भी काम करो, कुछ भी करें, लेकिन वो सहनशीलता करती, सहनशीलता का एक प्रतिमा है, लेडीज़ बोलो या नारी बोलो, तो उसमें सहनशीलता ज़्यादा होती है। इसीलिए हर लेडीज़ को जिसे एकादशी व्रत ना करे उन्होंने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए, क्योंकि साल में दो ही तो एकादशी आती है पुत्रदा एकादशी। इसीलिए यह पुत्रदा एकादशी जनवरी महीने में पुत्रदा एकादशी आती है और श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी आती है। तो श्रावण शुक्ल 16 तारीख दिन शुक्रवार 2024, तो इस दिन श्रावण की शुक्ल एकादशी जो है वो पुत्रदा एकादशी, सबसे बड़ी एकादशी, अपने पुत्र प्राप्ति के लिए और पुत्र के दीर्घायु के लिए हमें यह व्रत करना है। अपने पुत्र के दीर्घायु की कामना के लिए हमें व्रत करना है। जो नहीं भी करे तो भी उन्होंने यह एकादशी अवश्य व्रत कीजिए और अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना कीजिए। तो यह आपको व्रत अवश्य करना है। तो इस दिन आप नाखून न काटे, बाल न काटे, घर में एकादशी के दिन पोछा भी नहीं लगाते हैं क्योंकि कोई कीड़े रहते हैं, कुछ रहते हैं तो वो मर जाते हैं, बारीक कीटाणु, तो उससे भी हमें पाप लगता है। तो इसीलिए हमें घर में पोछा भी नहीं लगाना है क्योंकि छोटे बड़े पाप इस दिन अगर हम करें तो वह बड़े बड़े पापों के गिनती में आते हैं। और इस दिन एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं एकादशी की व्रत कथा। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वह भी यह व्रत अवश्य करेंगे। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुने। इसके सुनने मात्र से ही हमें वाजपेयी यज्ञ की पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो व्रत करे, जो नहीं करे, उन्हें भी सिर्फ कथा भी श्रवण की तो भी उन्हें वाजपेयी यज्ञ की पुण्य के फल की प्राप्ति होती। द्वापर युग के आरंभ में महाष्मति नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिससे संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही सुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा
अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाननों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों की धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। तो उसका मानना था कि जिसे संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते। राजा महिजीत की इस बात को विचार करने के लिए मंत्री तथा प्रजा को प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्मों के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों के हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपहार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अंत आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अंत उसके दुख से हम भी दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गाँव से दूसरे गाँव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह दो दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गो जल पी रही थी। उसी स्थान पर जहाँ पर यह जल पीने गया था तो उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अंत जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, जिसे पुत्र न हो उन्होंने यह पुत्रदा एकादशी अवश्य करे, और सब लोगों ने यह पुत्रदा एकादशी अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए करना चाहिए। तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण करो, विष्णु भगवान का नाम स्मरण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का श्रवण पठन और एक बार श्रवण करने से भी पाप नष्ट हो जाते, और विष्णु भगवान के समीप रात्रि में विष्णु सहस्र नाम का पठन करने से और एक घी का दिया लगाने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो रात्रि में जागरण करो तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप भी अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अंत संतान की सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो यह रही
पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो मुझे उम्मीद है आपको पुत्रदा एकादशी की यह व्रत कथा अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए पुत्रदा एकादशी के उपाय सुनते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके उपवास का संकल्प ले ले और विधि पूर्वक भगवान चक्रधारी विष्णु जी की पूजा करे। योग्य संतान प्राप्ति के लिए दंपत्ति इस दिन तुलसी की माला से ओम देव की सूत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतम मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि संतान गोपाल मंत्र संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी है। इस दिन लड्डू गोपाल का पूजन जरूर करना चाहिए। लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान कराए, इससे संतान में जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है। पुत्रदा एकादशी के लिए शीघ्र विवाह के लिए एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्र नाम स्त्रोत्र का पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पाठ को करने से घर में धन धान्य में सुख संपदा बनी रहती। जिन लोगों को विवाह में बार बार बाधा आ रही तो उन लोगों को इसका पाठ जरूर करना चाहिए। ज्योतिष मान्यता है कि यदि दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, आप में लड़ाई क्लेश बहुत होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापना करने के बाद इसका पाठ और लाभ होगा। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्र नाम पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप पीपल के वृक्ष के नीचे करना चाहिए। ऐसा करने से जो घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी के निमित्त पाठ और जप से सुख शांति के साथ ही सफलता भी मिलती, जाने अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती। मानसिक तनाव से मुक्ति करने के लिए पीले रंग और चंदन भगवान विष्णु जी के पूजा में विशेष महत्व रखता है। पीले फूल पीले फल पीले वस्त्र विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की फूलों की माला अर्पित करना चाहिए। इतना ही नहीं, श्री हरि को चंदन का तिलक मस्तक पर लगाए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद स्वयं अपने मस्तक पर लगाए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। नारायण को पीला कमल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी के साथ में व्रत रखना चाहिए। आपको अपने घर में हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरिवंश पुराण का श्रवण करने से भगवान श्री हरि की कृपा मिलती है, जिससे संतान की प्राप्ति हो सकती है। महाभारत के अंतिम पर्व को हरिवंश पर्व या फिर हरिवंश पुराण कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण अवतार लिया था। पुत्रदा एकादशी आप पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करें। निसंतानी आपको मनोकामना पूर्ण हो सकती है। पुत्रदा एकादशी के अलावा आपको गुरुवार के दिन व्रत रखकर केले के पौधे की पूजा करें और केले के जड़ में जल अर्पित करें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन शुक्र का मंत्र का ओम शुम शुक्राय मंत्र का जाप करें। शुक्र के प्रभाव से संतान सुख अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, यह रही व्रत कथा और उपाय। तो उम्मीद है आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी, उपाय अच्छे लगे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स शेयर। जय श्री महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।